उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आंगनवाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन 53वें दिन भी लगातार जारी रहा। जिलाध्यक्ष सुलेलता पवार ने कहा है कि धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक योगी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर देती। जो कहते हैं बार बार कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ और बचाओ, आज देश की बेटी आज सड़कों पर उतरी है, इससे और योगी जी को क्या नसीहत की बात हो सकती है। हर आंगनवाड़ी परेशान होकर इतने सीट में अपने बच्चों को छोड़कर सड़कों पर आ रही हैं, लेकिन हम योगी जी की हट को तोड़ कर रहेंगे। ये हमारी भी हट है कि जब तक हमारे 15,000 रुपये नहीं होते तब तक हम अपने धन को वापस नहीं लेंगे। मरेंगे मिटेंगे देश के लिए और अपने बच्चों के लिए, लेकिन अपने धरने को वापस नहीं लेंगे। वहीं आंगनवाड़ी कर्मी 22 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में हैं। प्रदेश पर लखनऊ भी विधानसभा का घेराव करना शुरू कर दिया है ताकि मोदी जी का कोई भी रास्ता अब आंगनवाड़ियों से नहीं बन पाएगा। योगी जी एक साइड तो कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, वे कैसे सम्मान कर ले, क्या सम्मान कर रहे हैं? जब योगी जी के यहाँ ही नारी का कोई सम्मान नहीं है तो सम्मान कौन करेगा? और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से हम बेटी को बचाए और कहाँ हम पढ़ाए? पढ़ाई का खर्च इतना है कि कोई भी मेरी आंगनवाड़ी बहन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मजबूर है, और ये क्या 4,000 की संख्या में इतना काम कर पाएगी? और योगी जी को समझ लेना चाहिए कि जो आप नारे लगाते हो और जनता में जो आप अपनी बात रखते हो कि हमने इतना काम कर दिया उतना काम कर दिया, ये सरकारी कर्मचारी के लिए कोई अच्छा नहीं हुआ मेरी बहन। हम योगी जी से एक बार फिर रिक्वेस्ट के रूप में कहना चाहेंगे, अभी हम उग्र आंदोलन के मोड में नहीं है। अगर ऐसा हुआ, उन्होंने हमारी सहज वाणी को न सुनने का काम किया, तो हम अपना उग्र रूप योगी जी और मोदी जी को दोनों को भली भांति दिखाने का काम। योगी जी तक ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि जैसा इस सप्ताह महिला सशक्तिकरण चल रहा है, क्या यही पुरस्कार था योगी जी ने हमें दिया है जो हमारी 4 बहनों को गिरफ्तार किया है और उनके पानी की बौछार डलवाई है और इतनी शीतलहर चल रही है? अगर वो मर जाती तब क्या होता? पिछले साल जब हमने धरना किया था उसमें भी हमारे 3 बहनों का बलिदान हुआ है और 800 रुपये मिले थे। उन्होंने क्या मांगा था योगी जी से? सरकार से यही तो मांगा है कि हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए। मानदेय बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने महिलाओं के साथ कितना बुरा अत्याचार किया है, व्यवहार किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मोदी जी योगी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन कहाँ से बेटी बचाई जाएगी? हम भी किसी की बेटियाँ हैं और हम भी पढ़ाई लिखाई का ही काम करती हैं। आज 53 दिन हो गए हैं हमें इसी तरह बैठे बैठे इतनी सर्दी में। कल कितनी सर्दी थी, हमारी बहन को बहुत सर्दी लग गई और उनकी मृत्यु हो गई कल हमारी सहायिका को।